में रेत के उत्खनन का खेल जमकर फल फूल रहा है। नियमों को ताक में रखकर रेत खदानों में निर्धारित क्षमता से अधिक खुदाई की जा रही है, जिससे नदियों का स्वरूप तो बदल ही रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। नदी के भीतर सड़क बना दी जा रही है, जिससे बहती नदी का स्रोत बंद हो जाता है और आगे चलकर नदी की धारा बहना बंद कर देती। बावजूद इसके जिला प्रशासन की शह पर यह खेल जमकर खेला जा रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि रेत रोकना हमारी प्राथमिकता नहीं। पुलिस की भूमिका रेत में एक सब्सिडियरी एजेंसी की भूमिका है। रेत का विषय माइनिंग डिपार्टमेंट का है, माइनिंग और रेवेन्यू का मामला है। ये पुलिस की जहाँ भी सहयोग मांगी जाएगी वहाँ हम तत्पर हैं सहयोग देने के लिए और पूरी कार्रवाई करने के लिए, और जहाँ भी माइनिंग अधिकारी जितने भी दल चाहेंगे पुलिस के हम देने के लिए तैयार हैं, जब्ती करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। और रेत माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए पुलिस का रोजनामचा, पुलिस का FIR खुला हुआ है। अगर कहीं माइनिंग डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि अवैध उत्खनन हो रहा है तो पुलिस उसमें कोई भी कमी या कोताही नहीं बरतेगी ऐसे लोगों पे केस दर्ज करने में। डोल में ग्रामीणों के लिए माने पंचायत के व्यवस्था के लिए दिया गया था कि माने थोड़ा बहुत लीज करके ग्रामीण अंचलों को माने रेत मिले, लेकिन वो इस तरह से नहीं हुआ। उसमें खनिज विभाग और एक रीवा का है गौरव अग्रवाल, सबसे बड़ा तस्कर है, वो प्रशासन से मिल करके और लगातार 5-6 महीने से बारपान और डोल में अवैध उत्खनन प्रतिदिन कम से कम 20-25 गाड़ियाँ UP रीवा इस तरह जाती थी। अभी बीच में प्रदेश सरकार ने निर्देश किया कि 15 जून के बाद से कोई भी रेत उत्खनन नहीं होगा। उसके बावजूद भी भरोही और डोल पंचायत दोनों को भंडारित करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन लगा है, जिसमें खनिज अधिकारी रहमान जी गौरव अग्रवाल को माने डोल पंचायत को भंडारित करने के लिए दिया, जो आज की स्थिति में ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण अक्सर घर बरसात के ही दिनों में मरम्मत करवाते हैं, 20,000 रुपये प्रति डंपर हाइवा माने रेत बेच रहा है, जबकि उसको भरोही पंचायत को उन साथ नहीं दिया गया। एक को दिया गया जो गौरव अग्रवाल खनिज माफिया है, वो भी रीवा के है, उसमें प्रशासन से भी मिला हुआ है और खनिज अधिकारी का पूरा रोल